कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में माँ मौसी दादी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री माधुरी मिश्रा अब हमारे बीच नहीं रही हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे, बुधवार की रात को उनका निधन हो गया। 92 वर्षीय माधुरी जी ने खेतासराय के डोबी वार्ड में अपने भतीजे के घर अंतिम सांस ली। कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद से वे वहीं रह रही थी और आपको बताना चाहेंगे, बुधवार की रात को अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। जौनपुर के राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखागिन उनके भतीजे बाल कृष्ण मिश्रा ने दी। आपको बताना चाहेंगे, हम उन्होंने कई सारी फिल्मों में माँ का किरदार निभाया और उनकी जो माँ थी लीला मिश्रा, हिंदी सिनेमा की चर्चित कलाकार रही हैं और सुपरहिट फिल्म शोले में मौसी के किरदार में उन्हें खूब लोकप्रियता मिली थी। आपको बताना चाहेंगे कि 10 हिंदी और 100 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में माँ बहन मौसी दादी का किरदार निभाया था उन्होंने। 70 के दशक में बनी फिल्म नदिया के पार में न्यायिका जो साधना सिंह की माँ का किरदार उन्होंने ही निभाया था। इसके अलावा हेमा मालिनी अभिनीत गंगा के रवि किशन की दादी, ऐसी कई सारी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय को हम सबके सामने दर्शाया और भले ही वो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और हमारे तरफ से, देसी भारत की तरफ से उन्हें दिल से श्रद्धांजलि है। आप सभी क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।